नमस्कार, मैं हूं जितेंद्र जैन और आप देख रहे हैं खबर समय जगत। आइए नजर डालते हैं आज की कुछ मुख्य खबरों पर। भोपाल, मध्य प्रदेश कांग्रेस मीडिया विभाग के अध्यक्ष के मिश्रा ने कहा कि प्रदेश की लाडली बहनाओं को 450 रुपए के गैस सिलेंडर दिए जाने को लेकर शिवराज सरकार छल कर रही है। यह योजना भी अन्य योजनाओं की तरह आंकड़ों की बाजीगरी में तब्दील होकर सिर्फ झूठ और फरेब का प्रचार प्रसार कर रही है। यदि बहनों के प्रति मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान में जरा भी सदस्यता होती तो इस तरह की छल परोसने वाली सभी योजना उन्होंने वर्ष 2020 में खरीदी हुई सरकार के मुखिया बनने के साथ ही प्रारंभ क्यों नहीं की थी। के मिश्रा ने कहा कि शिवराज सरकार ने मोदी सरकार की योजना पर ही रोक लगा दी है। जिस वक्त मुख्यमंत्री ने मध्य प्रदेश में लाडली बहनों को 400 रुपए में गैस का सिलेंडर दिए जाने की घोषणा की, उसके बाद ही केंद्र में काबिज मोदी सरकार ने गैस सिलेंडर पर 200 रुपए घटा दिए। इस लिहाज से डबल इंजन की सरकार का फायदा देते हुए शिवराज सरकार को लाडली बहनों को गैस का सिलेंडर 250 रुपए में देना चाहिए। किंतु ऐसा हुआ क्या? यह लाडली बहनों के प्रति शिवराज सिंह चौहान का स्नेह है या सिर्फ वोटों की राजनीति? क्या यही है डबल इंजन की सरकार? के मिश्रा ने दावा किया कि हमारी जानकारी में अभी तक ऐसी एक भी लाडली बहन सामने नहीं आई है जिसे 450 या 250 रुपए की रसीद के आधार पर किसी भी गैस एजेंसी ने गैस सिलेंडर दिया हो। ऐसी झूठी और खोखली घोषणा का क्या औचित्य है? यह एक महज चुनावी जुमला है। मीडिया टीम के मेरे सम्मानित साथियों, सम्मानित पत्रकार साथियों, संयोगवश आज माननीय मुख्यमंत्री जी का भी कार्यक्रम है, उन्होंने दोपहर भोज दिया है, लिहाजा हमारे कई सम्मानित पत्रकार साथी वहाँ उस भोज में उपलब्ध हैं। फिर भी हम अपनी बात आपके बीच करना चाहेंगे और स्पष्ट करना चाहेंगे कि इस देश में दो ज्ञानाचार्य हैं, बाकी पूरी जनता मूर्ख है। एक ज्ञानाचार्य हैं माननीय नरेंद्र मोदी जी, जो हमेशा अपनी योजनाओं में लोगों को मरने के बाद स्वर्ग दिखाने की बात करते हैं। महिला आरक्षण को लेकर उन्होंने एक बड़ा इवेंट किया जिसका सपना स्वर्गीय राजीव गांधी जी और हमारी नेता आदरणीय सोनिया गांधी जी का था। राज्यसभा में महिला आरक्षण को लेकर हमारी सरकारों ने उसे पारित करवाया था। चूंकि लोकसभा में हमें संख्या बल कम था लिहाजा वो वहां पारित नहीं हो पाया था। नरेंद्र मोदी जी ने दोनों ही सदनों में उसे पारित करवाया है, कांग्रेस पार्टी ने भी उसका समर्थन किया है, मगर सिर्फ इवेंट की भांति उन्होंने अपनी नियत और नीति को स्पष्ट किया है कि उसका लाभ हमारी बहनों को मिलेगा 2029 में और वो सितंबर 2023 में कह रहे हैं कि इस आरक्षण से देश का भाग्य बदलेगा। जो आरक्षण 2029 में मिलेगा प्रस्तावित है, उसका लाभ वो 2023 से लेकर देश का भाग्य बदलने की बात कर रहे हैं। वैसा ही झूठ परोसने में दूसरे ज्ञानाचार्य हैं माननीय शिवराज सिंह चौहान जी। उन्होंने अभी एक शिगुफा कांग्रेस की नकल का करते हुए लाडली बहनों को 450 रुपए में गैस कनेक्शन दिए जाने की बात कही है। यानी आंकड़ों की बाजीगरी से उन्होंने फिर हमारी बहनों को धोखा देने की कोशिश की है। आज ही सुबह हमने अखबार में पढ़ा है कि मध्य प्रदेश सरकार बाजार से फिर 1,000 करोड़ रुपयों का ऋण ले रही है।
4,30,000 करोड़ का ऋण पार हो चुका है। इस वित्तीय वर्ष 2023 और 2024 में सिर्फ सितंबर तक का आंकड़ा है कि 8,000 करोड़ रुपयों का लोन हमारी सरकार ले चुकी है और ये कर्जवीर शिवराज सिंह चौहान जी अभी भी अपने झूठ फरेब पर उसने से बाज नहीं आ रहे हैं। जिस 450 रुपए की बात हमारे मुख्यमंत्री जी ने सरेंडर देने के लिए कही है, मैं उनसे बड़ा निवेदन करना चाहूंगा कि पिछले 5 वर्षों में अंतर्राष्ट्रीय बाजार में एलपीजी के गैस सिलेंडर की कीमत 500 रुपयों से अधिक क्रॉस नहीं हुई थी। हमारी केंद्र और राज्य के डबल इंजन की सरकारें हमसे 1150 रुपए प्रति सिलेंडर वसूलती रही हर उपभोक्ता से। यदि लाडली बहनों की सदाशयता को लेकर मुख्यमंत्री जी, हमारे प्रधानमंत्री जी चिंतित हैं तो मैं उनसे करबद्ध आग्रह करना चाहूँगा कि जो उपभोक्ताओं से 5 सालों में इन दोनों ही डबल इंजन की सरकारों ने 1150 रुपए प्रति सिलेंडर के नाम पर डकैती की है, क्या वह राशि उन उपभोक्ताओं को इस चुनाव पर्व के दौरान वापस की जाएगी? और यदि नहीं की जा रही है तो यह स्पष्ट हो रहा है कि उपभोक्ताओं को लूटने वाली ये सरकारें लाडली बहनों को 450 रुपए प्रति सिलेंडर देने के नाम पर जैसे कोई भीख दे रही हो। इतने विज्ञापन दे रहे हैं जितने में तो पूरे शहर के गैस कनेक्शन खरीद लिए जाएं। साफ है तो उसे स्पष्ट करना चाहिए कि उस अंतर को क्या सरकार लौटाएगी। और मुख्यमंत्री जी की जरा भी सदाशयता है प्रदेश की जनता के लिए, जैसा कि वो कहते हैं कि प्रदेश मेरा मंदिर है, जनता मेरी भगवान है और मैं उसका पुजारी हूँ, तो मैं पुजारी जी से बड़ी शिद्दत से पूछना चाहता हूँ कि पुजारी जी, नरेंद्र मोदी जी ने जब आपने 450 रुपए प्रति सिलेंडर दिए जाने की घोषणा की, उसके 2 दिन बाद नरेंद्र मोदी जी ने 200 रुपए गैस सिलेंडर के दाम कम कर दिए थे, तो मध्य प्रदेश की जनता को तो या लाडली बहनों को अब वो सिलेंडर 250 रुपए में मिलना चाहिए। फिर आप 450 रुपए क्यों ले रहे हैं? आपको चाहिए कि प्रधानमंत्री जी की बात का सम्मान करते हुए आप उस गैस सिलेंडर को या उसकी कीमत को 250 रुपए कीजिए। सरकार विज्ञापनों में बार बार कह रही है कि 1 करोड़, 1.25 करोड़, 1.5 करोड़ बहनों को इसका लाभ दिया जा रहा है। मुख्यमंत्री जी, मैं बड़ी शिद्दत से आपसे प्रार्थना करना चाहूंगा कि आप एक भी बहन को जम्बूरी मैदान में, परसों प्रधानमंत्री जी आ रहे हैं, उसके मंच पर खड़ा कर दें, सिर्फ एक बहन को, जो यह कह दे कि मुझे आपकी घोषणा के बाद 450 रुपए में एक सिलेंडर प्राप्त हुआ। एक भी बहन पूरे मध्य प्रदेश में ऐसी नहीं है लाडली बहन जिसको आज की तारीख में, मैं तो 2 दिन और आपको बड़ा कर कह रहा हूं, 25 को प्रधानमंत्री जी आ रहे हैं, उन 10 लाख की जो भीड़ आप कह रहे हैं उस महाकुंभ में आनी जानी है नहीं। 10 लाख यदि तुम्हारे पास होते तो छोड़ के लोग कांग्रेस में नहीं आते। एक भी बहन को आप प्रधानमंत्री के सामने खड़ा कर दें जो ये कह दे कि मेरे अकाउंट्स में सब्सिडी का पैसा आया है, आया है तो कब आया है, और मुझे 450 रुपए में सिलेंडर गैस का मिला। ऐसी खोखली घोषणाओं का औचित्य क्या है? अब जो तकनीकी विसंगतियां हैं जिस पर सरकार एक शब्द भी नहीं कह रही है, करीब 70% बहनें ऐसी हैं इस पूरे
प्रदेश में जिनके नाम पर गैस कनेक्शन है ही नहीं, अधिकांश इस पुरुष प्रधान देश और प्रदेश में पत्नियों के नाम पर गैस कनेक्शन नहीं होते, पति के नाम पर ही होते हैं या पिताजी के नाम पर होते हैं, माँ बहू और बेटियों के नाम पर नहीं होते हैं। संकेतात्मक रूप से मैं आपसे ही पूछना चाहूँगा कि जितनी भी संख्या में हम यहाँ बैठे हैं उसमें से आप ये कोई बता दीजिए कि आपकी पत्नी के नाम पर गैस कनेक्शन है क्या? एक मिनट, थैंक यू। पूछा आपकी पत्नी के नाम। मैं आप पुरुषों से पूछना चाह रहा हूँ कि क्या एक भी मुझे बता दीजिए कि आपकी पत्नी के नाम पर गैस कनेक्शन है क्या? तो जब नहीं है तो आप झूठ क्यों परोस रहे हैं? मैं दावे से कह रहा हूं कि 70% हमारी बहनों के नाम पर गैस कनेक्शन नहीं है। अब मुख्यमंत्री जी ने शर्त रखी है कि जिन बहनों का पंजीयन 1 सितंबर 2023 तक होगा उन्हें ही वह गैस कनेक्शन का ₹450 का लाभ मिलेगा। मैं कुछ जिलों के आपको आंकड़े ऑथेंटिक दे रहा हूं कि उन जिलों में आप बताइएगा, ऑथेंटिक आंकड़े हैं जो हमने कलेक्ट किए हैं, कि मुरैना में हमने कलेक्ट किए लाडली बहना के आंकड़े कि मुरैना में जो रजिस्ट्रेशन हुआ है उसमें 3,41,000 बहनों का पंजीयन हुआ है मुरैना में। वहां आवेदन ₹450 के गैस कनेक्शन लेने के सिर्फ 957 ही रजिस्टर्ड हुए हैं। अब आप बताइए कितना अंतर है। कुछ जिले तो ऐसे हैं जहां 250-300 से ज्यादा रजिस्ट्रेशन ही नहीं हुए हैं क्योंकि वो लाडली बहनाएं पात्र हैं ही नहीं। तो लाखों का शहर और वहां 250-500 आवेदन सिर्फ आए हैं। 57 जिलों का आप जोड़ लीजिए, एक जिले में यदि 1,000 भी आवेदन आए होंगे तो पूरे प्रदेश में सिर्फ 57,000 होते हैं। और मुख्यमंत्री जी इवेंट ऐसा चला रहे हैं कि पूरे हिंदुस्तान में वो फ्री में गैस कनेक्शन बांट रहे हैं। सिर्फ इवेंट, झूठ, धोखा, फरेब, इन्हीं चार चीजों का नाम है शिवराज सिंह चौहान। सिर्फ धोखा दे रहे हैं। भिंड का आंकड़ा दूं मैं आपको कि भिंड में 2,69,00,000 से अधिक लाडली बहनों के पंजीयन हुए हैं। उनके पंजीयन ₹450 के गैस सिलेंडर के लिए सिर्फ 300 बहनें ही करा पाई हैं, सिर्फ 300। भिंड का मैं बता रहा हूं आपको आंकड़ा। छतरपुर का आंकड़ा है कि 3,36,000 लाडली बहनों का वहां पंजीयन हुआ है जिसमें 1,22,000 के नाम पर गैस कनेक्शन ही नहीं है। ऑथेंटिक आंकड़े जो हमने डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन से लिए हैं, यानी 1,25,000 बहनों के नाम पर कनेक्शन ही नहीं है तो रजिस्ट्रेशन कितने के हुए होंगे। तो ऐसा झूठ परोस कर मुख्यमंत्री फरेब कर रहे हैं। और उस लालच में हमारी बहनों ने अब नए कनेक्शन लेना प्रारंभ कर दिए हैं कि सरकार ने पहली शर्त लगाई थी कि जिनके 1 सितंबर तक आवेदन होंगे वो ही इसमें पात्र होंगी। अब बहनें नया कनेक्शन ले रही हैं अपने नाम पर, तो विद सिलेंडर और चूल्हा उसकी कीमत है ₹5,900। अभी एक एजेंसी के मालिक हमारे साथ में बैठे थे और ब्लैक में वो ₹7,000 में चूल्हा दे रहे हैं। तो क्या यह निर्देश सरकार के हैं कि जितनी सब्सिडी उनके अकाउंट में ट्रांसफर होगी वो सब्सिडी तो बिचौलिए पहले ही रिश्वत में ले रहे हैं, तो लाडली बहनों को मिलना क्या है, बाबा जी का ठल्लू? सिर्फ झूठ 420 परोसने के अलावा ये दोनों ज्ञानाचार, दिल्ली वाले सफेद दाढ़ी वाले बाबा और ये शिवराज जी बाबा महाराज, ये धोखा दे रहे हैं। ये सारे ऑथेंटिक आंकड़े, मैं सरकार को चुनौती देता हूं कि अब सरकार सार्वजनिक कर दे
कि कितनी लाडली बहनों को पूरे प्रदेश में अब तक उनका पंजीयन हुआ है। शायद आज की तारीख में जिस वक्त मैं आपसे बात कर रहा हूं, पूरे प्रदेश में 5,000 से अधिक बहनों का, 10,000 मान लीजिएगा और डबल बड़ा करके कह रहा हूं, 10,000 से अधिक बहनों का पंजीयन नहीं हुआ है। और 10,000 रुपयों को जहां, 10,000 बहनों को जहां आपको 250 रुपये में गैस कनेक्शन देना है, देना चाहिए प्रधानमंत्री जी की योजना के बाद, उनको आप 450 रुपये में भी नहीं दे पाएंगे। तो ये झूठ है, फरेब है या चुनावी स्टंट, माननीय मुख्यमंत्री जी को बताना चाहिए। आप भोजन अच्छा कराइए हमारे पत्रकार मित्रों को, हमें भी बुलाइए, हम भी आ सकते हैं, मगर इस सच्चाई को भी आप बताइए कि आप कितने बड़े जादूगर हैं और फर्जी आंकड़ों से आप मध्य प्रदेश की जनता को ठग क्यों रहे हैं। ये हमारा मुख्यमंत्री जी से प्रार्थना है। खबर समय जगत के लिए संवाददाता आदित्य सराठी की रिपोर्ट। फॉर लेटेस्ट न्यूज सब्सक्राइब टू आवर चैनल एंड प्रेस द बेल आइकॉन।